बेटी का कुआं पूजन किया तो एक आंटी आई। अब बिन मांगी एडवाइस सिर्फ आपको नहीं मिलती है, बच्चों की डॉक्टर को भी मिलती है। सो यहाँ एडवाइस मिली, पिल्लो यूज किया कर बच्चे के लिए, कॉटन पिल्लो यूज करती है कि राई का पिल्लो यूज करती है? बच्चे को पिल्लो चाहिए होता है क्या? फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में बच्चे को पिल्लो जरूरत नहीं होती है, हम एडवाइस नहीं करते हैं। अडल्ट में पिल्लो क्यों चाहिए होता है? हेड और शोल्डर के बीच में जो एक स्पेस होता है उसकी वजह से अनकंफर्टेबल ऐसे करके सोना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा पिल्लो चाहिए होता है कि वो स्पेस कवर अप हो जाए और सेम लाइन में पूरी बॉडी अलाइन। अब बच्चों में स्पेस अभी इतना डेवलप ही नहीं होता है कि बीच में पिल्लो घुसाना, बोलो कि बच्चे का सर का गोलाई मेंटेन रहे इसीलिए पिल्लो यूज करना है। जो बच्चे पिल्लो यूज कर रहे हैं उनका सर भी चपटा हो गया, तो बहुत देर तक पिल्लो पर भी अगर बच्चा सेम पोस्चर में सोता रहेगा तो प्रेशर की वजह से वहाँ सर फ्लैट हो जाता है। क्योंकि छोटा बच्चा दिन में 18 से 20 घंटे सोता है, सोते हुए उसका पोस्चर फ्रीक्वेंटली चेंज करना जरूरी है। अगर बच्चा ऐसे करके सो रहा है तो उसको जेंटली सीधा कर सकते हैं या साइड में कर सकते हैं। अगर क्रिब में राइट साइड में बच्चा सो, सीट करके उसको लेफ्ट साइड में सुला दे। उसके अलावा आप शुरू से ही बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन बेड पे टमी टाइम करा सकते हो, दो दो मिनट, पांच पांच मिनट, जितना बच्चा अलाउ करता है। स्किन टू स्किन अपने ऊपर बच्चे को उल्टा लेटा सकते हो, इससे बच्चा उल्टा लेटता है, सर पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है और सर की गोलाई मेंटेन रहती है। और कुछ पोजिशनल प्लेजियोकेफेली हो भी गई तो यू शुड नो उससे ब्रेन डेवलपमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक्सट्रीम केसेस में फेशियल एसिमेट्री होने की वजह से कई बार विजन डिस्टर्बेंसेस हो सकती है और हाँ, देखने में हमें बुरा लगता है, बट यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।